पहली बात तो आप मुझे अच्छे से जानते हो, मैं आप मुस्लिम होके भी काबे की तरफ मुंह करके कह सकता हूं, इससे जब कभी मेरी गलती होगी तो ऊपर वाला मेरे को माफ नहीं करेगा। पहली बात तो आप मुझे अच्छे से जानते हो, मैं आप मुस्लिम होके भी काबे की तरफ मुंह करके कह सकता हूं, इससे जब कभी मेरी गलती होगी तो ऊपर वाला मेरे को माफ नहीं करेगा। रही दूसरी बात, 30-40 साल से तुम राजकारण में मेरे देख मुझे देखते हो, मैं डबल कभी चलता नहीं और किसी को भी डरता नहीं। यहाँ पे जो परिवर्तन हुआ है तो एक तरफ बाला साहब ठाकरे का फोटो था और दूसरी तरफ पंडू काका का फोटो था, एक पूरे मालेगांव ने पूरे आवाम ने देखा। मैं जो काम करता बहुत साफ सुथरा से करता। जब शफीक एंटी अपने में फाउंडर मेंबर जब वो पहली बार आए और मेरे पे बात रखी, उनके साथ एक दाढ़ी वाला टोपी वाला मैं नाम भूल गया लेकिन रमजानपुर के, मैंने उनको डायरेक्ट साफ बोल दिया था कि देश का माहौल बहुत ही गलत चल रहा है, माहौल अच्छा नहीं है, तुम बारह बलुतदार के तुम कभी खड़े रहे तो तुम बीजेपी के लिए काम वोट खाने का काम करेंगे, ऐसा मैसेज जाएगा। एक मेरे बच्चों की कसम उठा कर कहता, वो भी उसके साथ है, तुम खड़े मत रहो, तुमने सोशल में बहुत अच्छी इमेज बनाई है, ये इमेज को गाल टोक लगता है। लेकिन उनका कहना था कि कांग्रेस वालों को ऐसा लगता कि हमारे वोट किधर जाएंगे ये पूछते नहीं, ऐसे नहीं, और बड़े जिम्मेदारों से उन्होंने बात की थी, वो उनका कहना था। फिर भी मैंने बोला था कि आप खड़े मत रहो, आपकी इमेज को धक्का लग सकता है, और ये इस बात की गवाही है कि बारह बलुतेदार का सागर भाई भी, जागर भाई भी और एजाज भाई इधर बैठा है, ये भी उनका सगा भाई था, ये भी गए नहीं, कोई गए नहीं, वो उनका अलग डिसीजन है। ज्यादा बात उन्होंने उधर की भी, बड़े बुजुर्गों को भी पूछा है, बड़ी बड़ी हस्तियों की भी पूछा है, कुछ इधर की भी है, मैं बात नहीं बोल सकता। कुछ सार्वजनिक जीवन में राजकारण में कुछ तथ्य और कुछ लिमिटेशन मर्यादा रहती है, फिर भी इसमें मेरी बात मैंने साफ कर दी है, मेरा कोई तालुकात नहीं और मैंने उसको कोई बात बोली नहीं, उन्होंने पूछे भी उनको ना बोली है। आप सब वार्ता दें, मेरे मोबाइल में सब बातें तो है कि मैंने क्या बोला। सुबह सुबह मांगा के 7 बजे में उनको 2-3 कॉल किए, तुम कॉल लिस्ट भी निकाल सकते, कॉल लिस्ट भी निकाल सकते, और मैसेज उन्होंने कॉल नहीं उठाया तो मैंने मैसेज भी दिए और मैसेज में यही लिखा है। दूसरी बात, जाहिर पाठिंबा देने का भी मैंने बोला और सब मालेगांव के तुम बैठे हुए साक्षीदार है कि शोभाताई बच्चा भाई तो पहले उन्होंने मेरे नाम का जिक्र किया कि हम ऐसे काम करते वैसे काम करते, शोभाताई का उन्होंने कैंप भी लगाया। जब उनको मेरे साथ मेरे घर पे दोनों आए थे, शोभाताई आए थे, डॉक्टर सुभाष भामरे भी आए थे, उनका आने का काम है, वो तो मेरे रिश्तेदार है, नजदीक का मामला है, 10 बार आए हैं, तो उनको मैंने बोला था, इसीलिए तो उन्होंने पहले मीटिंग भी लगाई थी, बातचीत भी हुई, बराबर है ना। तो इससे साफ जाहिर होता है कि पंडू काका क्या करता है, बात में क्या बात हुई, कौन कौन टच में गए, क्या क्या हुए, कौन सी टीम से साथ दाखिल हो रही थी, कौन बीजेपी पप्पू क्या बंटू कौन था, कैसे क्या हुआ, वो उनको मान इसको ऊपर वाला साक्ष। मैं एक ही बात जो काम करता, मैं आज तक जिंदगी में साफ काम किया और इसीलिए बंटू काका यहाँ तक पहुंचे हैं। मेरे पिताजी का घर भी नहीं था, घर भी नहीं था, भाड़े के घर में मेरे पिताजी का पूर्ण उम्र गई और मैं भी गया। ऐसे काम करता तो जब एक तरफ बाला साहब ठाकरे का फोटो था, एक तरफ मेरा था और ये लोग साथ में थे। भाग्य लक्ष्मी में जब मैं फंसा गिरे पिछले दरवाजे से बीजेपी का टिकट लेके आया, तो मैंने जब भाषण दिया तो 8-10 हजार जितने भी लोग थे वो लड़ते थे, रोते थे और उस दिन से चिंगारी लग गई। उसी दूसरे दिन जो केवल ही रहे वही मेरे तरफ 30-35 लाख रुपए लेके गए और बात बोलने लगे थे कि काका तुम साथ में रहो, बीजेपी का टिकट है, शिवसेना और बीजेपी की युति है, ये डबल काम करता तो मैं ये काम करता नहीं सकता।
ये काम करता नहीं मैं और मेरे उससे इनसे कोई मेरा हस्तक्षेप नहीं। डायमंड कारपेट हमारे वहाँ कारपेट ग्रास हेटलोन रेलवे वाला कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मुस्तफा बंगार बाजार, डायमंड कारपेट।